पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला आयोजित किया गया है। आयोजन के दूसरे दिन कल पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस पाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि पर्यटन विकास निगम और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर प्रदेश में एग्रो टूरिज्म चलाएंगे। इसके लिए जहां भी टूरिज्म होटल है वहां विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल स्थापित करने के लिए जगह दी जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को भी कृषि विश्वविद्यालय और किसानों की उपलब्धियों का पता लग सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ने जिन गारंटियों को लेकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया है वे सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी। हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी गारंटी बता दीजिए जो कांग्रेस ने दी और पूरी नहीं। आज तक एक गारंटी ऐसी बता दें जो कांग्रेस ने पूरे देश में दी और पूरी नहीं की। हम वैसी सरकार या वैसी पार्टी नहीं है। काला धन लाने की भाजपा ने बात की, घर घर में रोजगार देने की भाजपा ने बात की, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष पूरे देश में देंगे भाजपा ने बात की, सभी कच्चे घर 2022 तक पक्के कर दिए जाएंगे ये भाजपा ने बात की। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। पहले ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखें और देखें कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा एक वायदा किया देश में जो पूरा नहीं किया। जो कांग्रेस ने ओपीएस का वायदा किया कांग्रेस ने पूरा किया, जो कांग्रेस ने 1500 का वायदा किया है कांग्रेस पूरा करेगी, और जितने हमारी गारंटियां हैं कांग्रेस पूरा करके दोबारा से इलेक्शन में जाएगी। 5 साल बाद आप देखेंगे जब कांग्रेस इलेक्शन में जाएगी सभी गारंटियां पूरी हो चुकी हैं।